फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अभी सुबह 10 बज रहा है और हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए हैं और मुझे कुछ सब्जी वगैरह लाना था और फिश मार्केट भी जाना है कुछ लाने के लिए नॉन वेज, और राशन दुकान भी जाना है वहाँ पे। मतलब आज ज़्यादा थोड़ा राशन लाना है तो मैं तो नहीं ला पाऊँगी, उधर मैं बस पेमेंट कर दूँगी, वो लोग ला के घर पे पहुँचाएँगे। तो मैं सोची जाने से पहले आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर आने के बाद लंच भी बनाना है, चाहे मछली लाऊँ या चिकन, पता नहीं क्या लाऊँगी, अभी जाने के बाद ही सोचूँगी। और तो सोची कि आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और अभी फिर मैं वहाँ मार्केट जाके आप लोग को दिखाती हूँ क्या ख़रीदना है। सोच रही हूँ प्रॉन्स ले लूँ या कोई अलग प्रकार का फिश ले लूँ या चिकन लूँ, बच्चे तो बोल रहे हैं जो आपकी मर्जी वो ले आओ, तो अभी सोची नहीं हूँ, मार्केट जाने के बाद पता चलेगा। तो फ्रेंड अभी मेरा यहाँ पर जो एयरटेल का वाईफाई लगा है मेरे घर पर, तो उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इस एरिया में, तो नेट बंद कर दिया है 2 दिन से, नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है, मैसेज आ रहा है बार बार कि रात को 11 बजे चलेगा, फिर दोपहर को 11 बजे चलेगा, लेकिन रात को चलता नहीं ना दोपहर को चलता है, यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो फ्रेंड फिर अभी मैं निकलती हूँ, झाड़ू बेचने आए हैं फ्रेंड्स, आप लोग को सुनाई दे रहा होगा यहाँ पे शोर शराबा, अभी दिन के हो जाता है तो थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा होता है, कुछ ना कुछ बेचने आते हैं। तो फ्रेंड अभी मैं निकल रही हूँ सब्जी वगैरह लाने के लिए, तो फिर आप लोग से बाद में मिलती हूँ। लीजिए क्या है
गुलाब कितना अलग अलग कलर है क्या? ये कौन सा कलर है? ये वाला आपका पीला कलर है। सेम कलर होगा, पीला कलर, पीला कलर। हाँ हाँ, तीन चार चार्ट कलर हो दीदी। हेलो 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 हेलो। और दूसरा एक कलर दीजिए मुझे। नहीं, बहुत छोटा पेड़ है वो। कौन सा कलर का है? वो बड़ा डीप डीप खैरी कलर है वो वाला। अच्छा, देखो देखो देखो, ये वाला आपका पूरा डीप पीला। डीप पीला तो ली हूँ, ये छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला नहीं। बैंगनी कलर तो मीडियम होगा, छोटा भी नहीं है तो बड़ा भी नहीं होगा। आपके वाला आकाशी कलर होगा, दो तीन कलर का होगा। ये वाला बाई कलर होगा, मैंने होना चाहिए नहीं तो क्या? बाई कलर होगा, रेड और सोनाली कलर मिक्स होगा। 40 दादा, 40 ना, 40 नहीं30 টাকা দিবি ওই বন্ধু, 30 টাকা দেবো, তুমি 30 টাকা দাও। ठीक रेट लगाओ, साथ में ही ले रहे हैं। पच्चीस में दे दो। हाँ, सारे 25 में दे दो ना भैया। हाँ, सारा 25 में लेंगे। मेरा 5 वहाँ पर है। फ्रेंड्स, अभी मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और मार्केट से ये छोटा वाला प्राउन लाई हूँ और ये छोटा वाला मछली लाई हूँ, थोड़ा सा ये छोटा वाला। और इसके बाद थोड़ा बहुत सब्जी खरीदी क्योंकि मैं बैग लेना भूल गई थी और आधे रास्ते में मुझे याद आया कि सब्जी खरीदना था, बैग लाना था, बैग नहीं लई। तो डिग्गी में कितना सामान रहेगा, इतना ही थोड़ा बहुत सब्जी ले आई हूँ। फिर से मैं ले आऊँगी शाम को, नहीं तो कल जाके। और ये वाला फ्लावर का पेड़ खरीद के लाई हूँ, ये वाला, और ये वाला दो डालिया या क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, ये दो पेड़ लाई हूँ अलग अलग कलर का, और ये वाला फ्लावर लेके आई हूँ। और बाकी फ्रेंड्स, बाकी राशन सामान का ऑर्डर देके आई हूँ क्योंकि काफ़ी राशन सामान था जो कि स्कूटी में नहीं आ सकता, तो मैं उसको ऑर्डर लिखवा दी और वो ला के घर पर पहुँचाएगा राशन सामान। और थोड़ा बहुत सब्जी और मछली लेके आई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, अभी 12:30 बज गया है। अभी जा रही हूँ मैं, लंच बनाऊँगी और शाम को कहीं जाने का प्लान है। अगर मैं जाती हूँ तो आप लोग से शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू रहिए। मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो फ्रेंड, फिर मैं लेट हो रही हूँ और जल्दी जल्दी लंच बनाती हूँ। और ये क्राउन सॉफ करने के लिए टाइम लगेगा ये इसको, और छोटी वाली मछली उसको भी थोड़ा सा ही लाई हूँ, उसको मैं फ्राई करूँगी और इसको थोड़ा रसेदार बनाऊँगी ग्रेवी वाला। तो फिर मैं लंच की तैयारी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चावल चढ़ा दी इसमें, और कुकर में आज मैं मूंग दाल बना रही हूँ। यहाँ पर मूंग दाल चढ़ाई हूँ, यहाँ पर चावल चढ़ाई हूँ, यहाँ पर मेरी बेटी आलू कट कर रही है। आज वो मछली वगैरह नहीं खाती है तो बोली आलू फ्राई बनाऊंगी, तो मैं बोली तू खुद कट कर। तो आलू पतला पतला काट के उसको मैं फ्राई करके दूंगी, आलू काट रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं छोटा मछली लाई थी उसको फ्राई कर रही हूँ, इसको सिर्फ फ्राई वाला ही बनाऊंगी, सिर्फ मिर्ची पाउडर और गरम मसाला पाउडर और नमक हल्दी डाल के इसको बस थोड़ा थोड़ा तेल डाल के लोहे के तवे में इसको बस फ्राई कर दूंगी।
और यहाँ पे प्रॉन्स और फ्राई करके रखी हूँ, और उसके साथ दो तीन आलू भी फ्राई करके रखी हूँ। इसको थोड़ा ग्रेवी वाला बनाऊँगी। मसाला अच्छी तरह से मेरा हो चुका है, इसमें अभी पानी डाल दूँगी जितना ग्रेवी की ज़रूरत है। और दाल बन गया है, अभी बाकी सब हो गया है, बस इसमें थोड़ा सा मतलब मसाला हो गया मेरा। इसमें जितना ज़रूरत ग्रेवी की उतना पानी डाल दूँगी, और ये पानी में उबाल आने के बाद जो फ्राई करके रखी हूँ मछली उसको मैं डाल दूँगी। ग्रेवी वाला प्राउन बना रही हूँ, और ये जो छोटा मछली है इसको बस फ्राई करके, और दाल चावल आलू भुजिया का सब्जी बन चुका है, और इसके बाद मेरा लंच कंप्लीट। और सब्जी वगैरह जो लाई थी वैसे ही डाइनिंग टेबल के ऊपर पड़ा है, उसको फ्रिज में लगानी है, और शाम को हो सके तो थोड़ा बाहर जाऊंगी। अगर जाती हूँ तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी कहाँ पे जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी आलू मैं डाल रही हूँ क्योंकि आलू को थोड़ा पकने में टाइम लगेगा। प्रॉन्स तो बाद में डाल दूँगी जैसे पानी में उबाल आने के बाद, और इसको थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं इसको अभी डाल दी। पतला ही ग्रेवी रखती हूँ, मुझे ज़्यादा मोटा मोटा ग्रेवी अच्छा नहीं लगता तो, और ये बाद में डालूँगी। और ये वाला मेरा बस इतना ही था, इतना ही फ्रेंड था मछली, थोड़ा सा ही लाई थी मैं फ्राई करके खाने के लिए। बहुत टेस्टी होता है और बहुत अच्छा होता है छोटा मछली खाना। और अगर ये वाला ग्रेवी वाला नहीं बनाती तो इसको मैं थोड़ा मसाला सूखा सूखा बनाती, इसमें तो तरी वाला नहीं होता है छोटा मछली, लेकिन टमाटर पूरा मसाला प्याज टमाटर डाल के बनाते हैं, लेकिन नहीं बने मैं बस फ्राई वाला बनाती। फ्रेंड्स, अभी ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अभी प्रॉन्स को डाल दूंगी अभी, और इसमें हल्दी नमक सब कुछ तो डाली हूँ, और मसाला में अदरक लहसुन प्याज जीरा धनिया और थोड़ा सा सरसों पीसी हूँ इसमें। और ऊपर से थोड़ा सा चिकन मसाला डाल दूँगी, चिकन मसाला पाउडर। दस मिनट उसको बॉईल होने दूंगी सब्जी को अच्छी तरह से, क्योंकि आलू पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रॉन्स तो वो तो फ्राई कर चुकी हूँ अच्छे से तेल में, 10 मिनट लगेगा, और फिर धनिया पत्ता डाल के हो जाएगा मेरा सब्जी। इसमें फ्रेंड थोड़ा सा ये चिकन मसाला डाल दूंगी, और 5-10 मिनट इसको थोड़ा ढक के पकाऊंगी। इसके बाद इसमें धनिया पत्ता डाल के बस हो गया मेरा प्रॉन करी। फ्रेंड्स, ये है आज का मेरा लंच, दाल चावल आलू फ्राई और मछली छोटी मछली फ्राई और प्रॉन्स करी। अभी बन गया है, 2:30 बज रहा है, अभी हम 3 बजे खाना खाएंगे। आज का लंच देख के कितना अच्छा लग रहा है, और मेरा लंच थाली देख के कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना।